राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पूर्व में सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने तथा अन्य विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। दो दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे तहसील ब्यावर पटवार संघ और गिरदावर संघ के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूर्व के समझौते को शीघ्र लागू करने तथा संघ की अन्य मांगों की ओर ध्यान देकर उन्हें भी शीघ्र ही पूरा करने की मांग की। इस दौरान उपस्थित सभी ने 24 अप्रैल से पूर्व उनकी मांगे नहीं माने जाने की सूरत में राज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई रात शिविरों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान राजस्थान पटवार संघ जिला अजमेर के उपाध्यक्ष मूलाराम भाटी, जिला गिरदावर संघ उपाध्यक्ष प्रभु सिंह रावत, उपाध्यक्ष नवीन दादीच, महामंत्री राकेश जटिया, संगठन मंत्री सोनू गजराज, संयुक्त मंत्री सुरेश जाट, गिरदावर लोकेश मीणा, धर्म सिंह पटवारी, मिठू सिंह, सुनीता राधिका, मोती सिंह तथा रघुराज आदि शामिल रहे। दूसरे दिन हमारा सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और राजस्थान सरकार ने जो राजस्व सेवा परिषद के साथ पूर्व में लिखित समझौते कर रखे हैं उनको लागू नहीं कर रही है सरकार, और जब तक लागू नहीं करेगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी दो दिन का सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन था और राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना महंगाई राहत कैंप जो लगाए जा रहे हैं उनका हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी।